और दार साहब ने स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद उस स्पेकुलेशन ने जन्म लेना ही था ना भैया। किसने कहा था डार को बयान दिया, किस बुनियाद पर डार ने बयान दिया? आए ना बताए, मीडिया को बताए, कौन को बताए? कोई घर में गपशप तो नहीं थी? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एवरी वर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज रिकॉर्डेड फॉर हिस्ट्री, फॉर पोस्टेरिटी। वो खड़े होकर बयान दे रही है और किस्म किस्म की क्या सराहियां पहले चल रही है इस सरकार के बारे में, कहां से जन्म लिया, कैसे आई, साजिश कहां, मदाखलत कहां, बताइए क्या करें, अपने बचाव के लिए क्या करें? दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाए, ऊपर से शेलिंग कर दी जाए, जहरीली किस्म की गैस हो, लोग सांस ना ले सके, क्योंकि फ्रांस का डिजिंग मॉडल बनेंगे क्यों बनेंगे? अब तो ठीक थे मेरा हो गया। तो फिर आप क्या कहते कि पुलिस अनफॉर्चुनेटली आप फ्रांस को लाहौर में कुछ किया ये इनकी नादानी और बेवकूफी से हुआ जितने शाह की शहादत। उसके बाद दो दिन लाहौर में होता रहा आपके सामने, मैंने खुद लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे साथ अस्तुबर साहब भी थे, नवाज चौधरी साहब भी थे, आरत फाती साहब भी थे, खुद जाकर हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आई जी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब और जो सीटीडी के पंजाब के सरबराह है उनसे भी थी और बहुत सी चीजें सिक्योरिटी के लाहौर के जलसे के इश्यूज के अलावा। ये जो हुआ है कि पुलिस एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स कर रही है, इस पर मैंने बात की, मैंने बताया आपको, मैंने अदालत आपको जस्टिस साहब को कहा कि आपके जो डी आई जी ऑपरेशन है इस्लामाबाद के शहजाद बुखारी साहब, जब वो एक अंडरस्टैंडिंग करती है और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सीज फायर हम एक रास्ता निकालते हैं, एक कानूनी रास्ता निकालते हैं लोगों की जानों को बचाने के लिए और खान साहब से मैं मुलाकात के लिए जाता हूँ, बात करने जाता हूँ और वो शरीर शुरू कर देते हैं घर के अंदर, तो हालात कौन बिगाड़ता है? कहते हैं ना नादान दोस्त दलाल दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। ये नादान लोग हैं जिन्होंने पत्ता बिगाड़ दिया सबका। लाल कंसल होते इंटरव्यूज में बार बार इस बात पर कर चुके हैं कि जब हम डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ तो अल्टीमेटली आपको अपने एडमिन सासू को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरा आपने कहा कि वो जो दहशत गर्दी के वाकत बढ़ रहे एजेंसी से रिपोर्ट थी, क्या आपको शक है एजेंसी की रिपोर्ट थी? नहीं भाई, खान साहब ने इस तस्वीर का जिक्र किया है, भैया मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो माजरा आई है कोर्ट में पेशी के वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, एक ट्राई की जा रही है कि इलेक्शन से पहले एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाया जाए, आप नहीं समझते कि इस पोजीशन में अगर फौरी इलेक्शन का अनाउंस किया जाए मुतनाज़ा हो जाएंगे? लेकिन डायलॉग के लिए माहौल पैदा करना होता है ना। शहबाज शरीफ साहब ने उसे शरीफ की कोर्ट में कहा, वजीर आजम साहब ने ये मुज़ाकरात मसाइल का हल है बजा, लेकिन उसकी बुनियाद तो उनके बड़े खूबसूरत अंदाज में रखी ना, कल जमान पाक के, जमान पाक से जो कुछ हुआ उन्होंने डायलॉग की पहली ईंट तो रख दी ना वहां, और फिर इस्लामाबाद में जो हक हुआ वो आपके सामने है। डायलॉग इस माहौल में होता है, डायलॉग के लिए सब्र करना होता है, दिल बड़ा करना पड़ता है और हुकूमत उन्हें बड़ा करना पड़ता है, पहले हुकूमत को करनी पड़ती है, हमने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन आप तो आप
جائیں گے ہم جیسا کہ بتائیے گا کہ ایک ہی بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں انتہائی اسٹریٹجک لیول تک پہنچ چکے ہیں پامالی کی گئی جو وہاں کی دلیلز کو قبول کیا گیا جبکہ گھر پہ کوئی نہیں تھا سوائے عمران خان صاحب کی اہلیہ بیگم صاحبہ کے اور چند ملازمین کی اور ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ایک دیندار پردہ دار خاتون ہے جس قسم کے ریزیڈینشیل کوارٹرز میں پولیس نے اس کے ٹیئر گیسنگ کی اور جس طرح پولیس امیر کو ہراساں کیا اور جس طرح سے انہوں نے وہاں جاتے ہوئے جو سامان تھا اس پر ہاتھ صاف کیا نہ صرف قابل افسوس ہے شرمناک شرمناک اور پھر ایک مقرر بنایا جا رہا ہے ایک نئی کہانی بنائی جا رہی ہے اور پھر مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ تیری گرفتار کو قتل قرار دے دیا جائے کس دنیا میں بیٹھے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں چاہتے کیا ہیں ہم معاملات سیدھا کرنا چاہتے ہیں ہم آئین اور جمہوریت کی ڈگر پر قائم رہنا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ذرا ان کی سوچ اور ان کی کہتے ہیں نا فہم و فراست کو ایگزامن کیجیے کیا ابھی چند لمحوں بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور آبویسلی ہم سب ان کے منتظر ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کی ہے کنٹینٹ رپورٹ کیا ہے پنجاب پولیس نے ان کے سربراہ سی سی ٹی وی اور جو دیگر اس کے اہلکار کے ساتھ تھے ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قانونی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن تفصیلات جب چیئرمین صاحب بیان کریں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے